अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट अपनी एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं फ्रीलांसर का। तो सबसे पहले हम आएंगे डाटा एंट्री में, जो कि हमारा मेन प्रोजेक्ट है जो हमें काम करना है। उसके बाद डाटा एंट्री की ये एक जॉब हो गई, एक स्किल हो गई। एक्सेल की हमें नहीं करनी, डाटा प्रोसेसिंग की भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी नहीं, इसकी करनी है। और उसके बाद राइटिंग एंड कंटेंट में आ जाएंगे, यहाँ से अपने अपने स्किल्स ऐड करनी है। कंटेंट राइटिंग आर्टिकल और न्यूज राइटिंग, ट्रांसलेशन एक होगी, कॉपी टाइपिंग होगी, उसके बाद होगी PDF होगी, टेक्निकल राइटिंग होगी, रिसर्च और एडिटिंग होगी, उसके बाद ब्लॉग एडिटिंग, उसके बाद आप यहाँ से जो करना चाहें कर सकते हैं। मीडिया राइटिंग की एक ईजी राइटिंग की हो गई, ऑनलाइन राइटिंग की करना चाहे तो कर सकते हैं, कॉपी एडिटिंग की। यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप सेल्स एंड मार्केटिंग। और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ी देखें, बड़ी बड़ी चीज़ें देखें, उसमें ट्रांसलेशन की होगी, यूके ट्रांसलेशन की होगी, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने चीज़ें देख लेनी है और यहाँ पर ऐड करनी है। ये ऐड हो जाने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हमारी स्किल्स ऐड हो चुकी हैं। स्किल्स ऐड करने के बाद यहाँ से आपने एक अकाउंट अटैच करना है। ये मैं अभी स्किप कर लूँगा, लिंक्डइन का या इसका अकाउंट पे आपने अटैच करना है, फेसबुक का। यहाँ अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। बल्कि मैं आपको एक अटैच कर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम है, और उसके बाद यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप पिक्चर अपलोड ना भी करें तो मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पर वन लाइन डिस्क्रिप्शन है, बाबू सर एक लाइन डिस्क्रिप्शन है लिखनी है। आई एम प्रोफेशनल डाटा में ही होगी। और यहाँ पर आपने फुल डिस्क्राइब करना है वगैरह वगैरह, सर अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो वो आपने सारी डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप कर सकते हैं, English and now I'm expert. ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ऐसे खुद से लिख रहा हूँ, ये चीज़ नहीं आप इतनी आपने प्रॉपर अपनी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर दी है। तो ये नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर लैंग्वेजेस आपने लिखनी है, इंग्लिश के बाद आ जाएगी वो नहीं दे रहे, बस एक ही काफ़ी। यहाँ पर ये आपने ख्याल करना है 2009 एड्रेस अपना डाल देने, पाकिस्तान में इसको पाकिस्तान
पाकिस्तान में ये चीजें होगी सारी और लिख देना। इसका जिप कोड यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर सर्च कर देना, नेक्स्ट कर देना है आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस और आपने अपना प्रॉपर एड्रेस और जिप कोड की चीज़ें प्रॉपर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है वेरीफाई करने के लिए आ चुकी है। Yeah.